दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजाज के इस गैस गीजर के बारे में। इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो रिव्यू वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और इसका जो सेफ्टी वाला वीडियो है, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इन नॉब्स की सेटिंग के बारे में। मुझे कई सारे कमेंट्स आए कि इसकी नॉब की सेटिंग कैसे करते हैं समर में और विंटर में, तो आज मैं आपको इन नॉब्स के बारे में सब बताऊँगा। तो गाइज, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप जान लीजिए इन तीन नॉब्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो गाइस, इसमें तीन नॉब हैं जो सबसे लेफ्ट में है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है गैस फ्लो। तो इस नॉब से आप गैस फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे। जो सेंटर वाला नॉब है उसमें आपको देखिए लिखा हुआ है विंटर एंड समर, तो इस नॉब से आप इसको विंटर या समर पर सेट कर पाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो नॉब है इसमें लिखा हुआ है वाटर फ्लो, तो इस नॉब से आप वाटर फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे। और सामने ये डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको अंदर जो आग जलती है वो दिखती रहती है, थोड़ा सा आइडिया मिलता रहता है। उजाले में कम दिखती है, अंधेरे में सही से दिखती रहती है। तो गाइज, अभी हम इसको ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपको ये सेट करनी है। तो हमने जो पानी है उसको ऑन कर दिया है। ठीक गाइज, अभी आवाज़ आई थी और ये ऑन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, आपको अंदर दिख रहा होगा, अंदर बर्नर्स ऑन हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वाले की हेल्प से आप बर्नर को बंद कर पाएंगे। इसको मैंने समर पे कर दिया। तो गाइस, समर पे करते ही एक बर्नर ऑफ हो गया है, एक ही जल रहा है। ठीक है, जब मैं इसको विंटर पे करूँगा तो गाइस नाउ यू कैन सी दो बर्नर ऑन हो गए हैं। तो ये जो नॉब है ये बर्नर को ऑन ऑफ करने के लिए है। समर में आपको केवल एक ही बर्नर बहुत है, पानी आपको गर्म कम चाहिए, ऑलरेडी गर्मी होती है, लेकिन विंटर में आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए, तो हम इसको विंटर पे करते हैं। अब हमने जब भी विंटर का टाइम है तो हमने इसको विंटर पे कर दिया है। अब बारी है गैस फ्लो की। आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा सा कम गर्म आ रहा है, तो आप इस वाले नॉब की हेल्प से लेफ्ट राइट करके इस लो को कम कर सकते। अभी देखो लो कम हो गई है, मैंने इसको मिनिमम कर दिया है, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये बढ़ गया है, इसको आप फुल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फुल नहीं करना है वरना ऊपर तक आग जाएगी। तो आपको इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रखना है मीडियम, नीचे पानी की हीट देख के। अगर पानी ठीक ठाक गर्म आ रहा है तो वहाँ पे आप छोड़ देंगे लगभग यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अब बारी है वाटर फ्लो की। तो वाटर फ्लो का इसमें नॉब क्यों दिया है, अगर आप इसको मिनिमम में कर देंगे तो नीचे पानी आना बहुत ही कम हो गया है, लेकिन पानी अभी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा होगा। तो अगर आप इसको मीडियम पर कर देंगे तो अभी मीडियम टैप का मतलब पानी टेप में जो पानी आ रहा होगा वो ठीक ठाक आ रहा होगा, लेकिन पानी मीडियम गर्म आ रहा होगा। और मैक्सिमम पे कर देंगे तो फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फुल जितना इसकी कैपेसिटी है उतना ये पानी निकालेगा, लेकिन पानी गर्म एक लिमिट तक होगा। तो इसको आपको हमेशा मैक्सिमम पर ही रखना है, क्योंकि आपको पानी भी चाहिए, वरना आप कब तक बाल्टी भरेंगे, बाल्टी भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको मैक्सिमम पर रखिएगा और इस वाले को आप मीडियम पर लगभग यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका जो पानी कम गर्म आ रहा है तो आप इसको सेट कीजिए, आप इसको मत छुइएगा, आप इसको फुल पर रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग है, मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, अभी मीडियम ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो दोस्तों ये थी इसकी नॉब की सेटिंग, काफ़ी आसान है। अगर आपको अभी भी नॉब सेटिंग में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको बजाज का ये इंडिया का नंबर वन गैस गीजर परचेज करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।